अरे वाला बिहार विधानसभा चुनाव के लेके और लोकसभा चुनाव के लेके बिहार के सब लोग के नजर चिराग पासवान और मुकेश सहनी पर लागल बा। अभी तक दोनों नेता अपन अपन पत्ता नहीं खोलले। नमस्कार, हम संजीव उरवा देखतानी बिहारी न्यूज भोजपुरी। आई खबर के विस्तार से जानल जाओ। बता दी कि बिहार पे चिराग पासवान और मुकेश सहनी बिहार के दुगो ऐसा नेता बड़े जेकरा पर अब सब लोग के निगाह टिकल बा। दोनों के अगला कदम का होई, वैसे सहनी अपना नजदीकी सीएम नीतीश कुमार के प्रति अपन प्रेम प्रकट कर रहल बड़े, लेकिन चिराग पासवान अभी भी असमंजस के स्थिति में बड़े। बता दी कि प्रदेश के राजनीति में उलट पुलट के दौर थम गई बा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार के कामकाज भी हो रहल बा। राज्य के राजनीति में दिलचस्पी रखे वाला लोग के मन में अब ई सवाल उठ रहल बा कि आखिर चिराग पासवान और मुकेश सहनी अपना तर्कस में कौन कौन तीन रखले बड़े। बता दें कि बिहार के राजनीतिक दल में चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मुकेश सहनी के विकासशील इंसान पार्टी, ये दूगो ऐसा दल बा जरा के भाजपा के साथ दोनों रह चुकल बा। अगर देखल जाओ तो भाजपा के साथ लंबा समय तक काम करे के अनुभव भी बा, लेकिन आगे अभी लोग का करी तस्वीर कुछ साफ नहीं के होत। चिराग पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के संतान हमन। पिता के मौत के बाद उनका पार्टी में बहुत बड़ा टूट के सामना भी करे पड़ल। चाचा पशुपति पारस के लंबे चलल दाव में चिराग ऐसा फंसले कि पार्टी में अकेला नेता रह गए। अगर वह देखल जाओ तो 2020 के चुनाव में खुद के मोदी के हनुमान भी कहले, लेकिन चुनाव में आशा के अनुरूप सफलता हासिल करे में सफल ना भैले, जाना के लेके लोक जनशक्ति पार्टी बिखर गई। अब यही बात के लेके लोग के इस सवाल मन में उठ रहा बा कि आखिर चिराग पासवान और मुकेश सहनी ऐसा कौन चाल चली है, ऐसा कौन दाव लगई हैं कि बिहार में एगो नया अध्याय लिखा सके और बिहार में ये लोग के एगो नया पहचान बन सके। खबर कैसा लागल कमेंट में जरूर बताएं लोगिन। तब तक खातिर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।